नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। इस मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक, देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट, डेट और टाइम घोषित किए गए। बिहार विधानमंडल में बुधवार को बजट सत्र के 23वें दिन कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 बुधवार को विधानसभा से पास हो गया। देश के लिए बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी, सेना बनेगी अब सशक्त। जानते हैं खबरें विस्तार से। आज जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट, डेट और टाइम घोषित किए गए। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके लिए कल बुधवार को रिजल्ट की डेट और समय की घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा आज दिनांक 31/3/2022 को दोपहर बाद 1 बजे मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का परीक्षा फल जारी किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। बिहार बोर्ड रिजल्ट की डेट और समय घोषित होने के साथ ही राज्य के करीब 16 लाख छात्रों का इंतजार अंतिम घड़ी में आ गई है। गुरुवार को रिजल्ट जारी होने की पुष्टि होते ही कुछ छात्रों की धड़कनें बढ़ने लगेंगी, तो वही कुछ छात्र सुकून महसूस करेंगे। पिछले कई दिनों से रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावना में छात्र लगातार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देख रहे थे। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पर कसा प्रशासन का शिकंजा, कुर्की हुई करोड़ों की संपत्ति। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की है। गाजीपुर में महेंद्र कुशवाहा का एक ऐसा नाम है जो शिक्षा जगत के क्षेत्र में बड़ा रसूख रखता है। कारण यह है कि महेंद्र कुशवाहा वाराणसी के एक कॉलेज में साधारण अध्यापक होने के बाद भी गाजीपुर में स्वयं एवं अपने भाइयों के नाम पर करोड़ों अरबों की अकूत संपत्ति बना ली है। ये संपत्ति शिक्षा जगत में नकल के व्यवसाय के माध्यम से बनाई गई है। आज उसी शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की है। प्रिंस राज की सीएम से शिकायत, जिस अस्पताल में उनकी मां भर्ती है वहां चिराग पासवान ने आदमी ने किया हंगामा। आरएलजेपी सांसद प्रिंस राज की मां अस्पताल में भर्ती है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसी अस्पताल में चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने हंगामा किया है। रोकने पर अंगरक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया, लिहाजा मामले की जाँच होनी चाहिए। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, पटना में 1,000 रूपए की रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या, 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस। बिहार की राजधानी के मजहट्टा चौक बाजार में बुधवार को बतौर रंगदारी 1,000 रूपए देने से इनकार करने पर पटना शहर के एक प्रमुख व्यापारी की हत्या कर दी गई और उसके बेटे सहित 2 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र की मिर्ची गली में 1,000 रूपए की रंगदारी को लेकर हुई है। बिहार विधानमंडल में बुधवार को बजट सत्र के 23वें दिन कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में लगातार हो रही हत्या पर कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है, सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा और हालात बिहार के काफी खराब हो चुके हैं, कोई सुरक्षित नहीं हो रहा है और बिहार की हालत काफी खराब होती जा रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार सरकार ने शराबबंदी में क्या संशोधन किया है, उसके प्रारूप को अच्छे से पढ़ने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। हमारी पार्टी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी रहे, लेकिन राजद की सरकार शराबबंदी के नाम पर लूटपाट कर रही है। शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी किया है, बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, लंबे समय का उनका इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया, 28 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा। बता दें कि 8,386 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। दरअसल फिजिकल टीचर की बहाली प्रक्रिया हर हाल में मार्च तक पूरा करने का टारगेट शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दे दिया था, ऐसे में अब मई महीने में उन्हें हर हाल में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पटना में जेडीयू नेता के मर्डर के बाद कल प्रमुख व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या, विधानसभा में विपक्ष ने किया प्रदर्शन।
बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेता की हत्या के महज एक दिन बाद ही बुधवार सुबह शहर के एक प्रमुख व्यापारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक एक प्रमुख सूत बेचन व्यापारी प्रमोद बंगला का पुत्र है। पटना सिटी मोहल्ले के मिर्ची गली में सुबह करीब 9 बजे अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। इस हमले में 2 अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार की शाम भीमा शाह गली में अज्ञात हथियार बंद लोगों ने दही व्यापारी सोनू कुमार पर हमला कर दिया था। पीड़ित को 3 गोली लगी थी और उसे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PMCH में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 बुधवार को विधानसभा से पास हो गया। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि किसी पहलुओं के अध्ययन और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करते हैं कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं। मंत्री ने आगे कहा कि 2230 पुलिस और उत्पादक विभाग के कर्मियों जो शराब मामले में संलिप्त थे उन्हें बर्खास्त किया गया है। संशोधन के तहत पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। यदि अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। एक प्रावधान यह भी रखा गया है कि जब किसी अपराधी को पुलिस द्वारा प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में पकड़ा जाता है तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से उसे शराब प्राप्त की थी। देश के लिए बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। सेना बनेगी अब सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की गई। इसमें 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर 3,887 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन हेलीकॉप्टर के रख रखाव को लेकर के 377 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नीतीश कुमार पर भड़की राबड़ी देवी, कहा योगी आदित्यनाथ को ही ले आए बिहार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुधवार को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को ही बिहार ले आए, किसने रोका है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां रोज हत्या लूट नहीं हो रही हो। शराबबंदी कानून में संशोधन बीजेपी ने किया स्वागत, तो बोले मांझी आखिरकार सरकार ने खामियों को महसूस किया। नीतीश सरकार ने आखिरकार अप्रैल 2016 में बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है। NDA के घटक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम लोग लगातार संशोधन की मांग कर रहे थे, खुशी है कि सरकार ने भी खामियों को महसूस कर उसे दूर करने की कोशिश की है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में एक मंदिर में अज्ञात हमलावरों द्वारा मंगलवार देर रात एक 90 वर्षीय पुजारी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। हत्या के पीछे के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी आज भागलपुर के AGCM के कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। चौधरी पर नवगछिया कोर्ट में 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ के समीप चुनाव कार्यालय खोलने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और इसे अग्रतर कार्रवाई के लिए पटना भेज दिया। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता में सहमति बन जाने पर कर्मचारी संघ ने बुधवार को अपने आगे के आंदोलन को स्थगित कर दिया है। बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी संघ के सदस्यों ने उपस्थित दर्ज कर कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान आंदोलन को इनॉस के राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी, आयशा के राज्य सचिव प्रिंस कर सहित अन्य छात्र नेताओं ने आकर समर्थन किया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पेशनर समाज के अध्यक्ष रघुनंदन लाल कर्ण एवं अमरनाथ शर्मा ने भी आंदोलन का समर्थन किया। लगभग 1:30 बजे कुल सचिव ने वार्ता के लिए पत्र दिया। वार्ता में सहमति बनी, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इसके बाद आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया गया। वार्ता में सहमति बनी कि आंदोलन के दौरान जो भी
दयानात्मक कार्रवाई की गई है उसे कुलपति के मुख्यालय आने के बाद परामर्श पर वापस कर लिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने की। प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, अरविंद भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक, भारतीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र प्रसाद, विकास कुमार कोषा अध्यक्ष, अमृत नाथ झा कोषा अध्यक्ष, राम सेवक दास, प्रेमचंद्र प्रसाद, अशोक कुमार दास, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, राजेश सहनी, शिव नारायण यादव आदि ने भी लोगों आंदोलन में भाग लिया था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपको।